watching Chicky Doodle. हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी इंडियन फ्लैग। शुरू करेंगे फ्लैग के पोल से। पोल के नीचे कुछ सीढ़ियां बनाओ। फिर इस प्रकार के लाइंस ड्रॉ करो। याद रहे दोस्तों, सब लाइंस एक समान हो। और आखिर में अशोक चक्र जो है नीले रंग का। ये हमारे राष्ट्रीय बहादुरी का प्रतीक है। अब समय है हमारे तिरंगे में रंग भरने का। ध्वज की पहली पट्टी में भरेंगे केसरिया रंग। केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। फिर तीसरी पट्टी में भरेंगे हरा रंग। हरा रंग हमारी भूमि और वृद्धि के पवित्रता को दर्शाता है। बीच की पट्टी सफेद ही रहेगी। फ्लैग के पोल में भरो ब्राउन रंग। और आखिर में सीढ़ियां होंगी ग्रे कलर की। बहुत बढ़िया, ये तैयार हो गया हमारा तिरंगा। हमें तिरंगा है सबसे प्यारा, सदा ऊंचा रहे झंडा हमारा। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हाय दोस्तों, चलो इस प्यारे से घर को ड्रॉ करते हैं। शुरू करेंगे एक बड़े ट्रायंगल से और फिर ट्रायंगल के थोड़ा अंदर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक दरवाजा और कुछ स्क्वायर विंडोज। घर के पास एक ट्री ड्रॉ करें। अरे, ये ट्री तो आइस कैंडी जैसा दिख रहा है। बारी है टू ऐड सम फन। ड्रॉ करेंगे हम एक सन। कितना आसान था ये, है ना? बारी है पेंटिंग की। बनेगी हमारी ड्राइंग रंगीन। सबसे पहले लेंगे स्पार्कलिंग ग्रीन। अरे वाह, क्या बात है! ट्री ट्रंक के लिए थोड़ा सा ब्राउन। घर के छत यानी रूफ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शाइनी रेड कलर। लाल से हमारा घर दिख रहा है बहुत ही कमाल। और वॉल के लिए लेंगे ग्लिटरी येलो। शाइनी रेड रूफ हमारे येलो वॉल के साथ क्या खूब दिख रहा है। बहुत अच्छे दोस्तों, आप चाहो तो वॉल पर अपने मनपसंद पैटर्न्स भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत बढ़िया, अब लेंगे ग्लिटरी पिंक अल्टरनेट विंडो फ्रेम्स के लिए। और बाकी के फ्रेम्स पर करेंगे हमारा फेवरेट स्काई ब्लू। वुहू! हमारा दरवाजा नहीं रहेगा सिंपल, क्योंकि हम यूज करेंगे चमकीला पर्पल। बहुत अच्छे, डोर नॉब के लिए ग्रीन। अब क्या बाकी है? जी हाँ, हमारा सन। सन रेस के लिए यूज करो स्पार्कलिंग ऑरेंज कलर। और बीच के सर्कल के लिए येलो। अरे वाह, क्या बात है! ये है मेरा घर, कितना सुंदर। इसमें मैंने भरे ढेर सारे रंग। कितना सुंदर नजारा है! चलो ये सीनरी ड्रॉ करते हैं।
सबसे पहले बनाएंगे सूरज चाचू और फिर कर्वी लाइंस माउंटेन के लिए। अब एक मस्त वाला रेनबो बनाएंगे माउंटेन के ऊपर, एक बड़ा सा पेड़ जो है फ्रूट से भरा हुआ। एक बोट और एक प्यारा सा छोटा सा घर, कितना सुंदर लग रहा है ना? अब नाव है तो नदी भी बनाएंगे ना, और आसपास थोड़ी सी घास। ड्राइंग तो हो गई पूरी, लेकिन कलर्स के बिना ये है अधूरी। चलो सूरज चाचू को येलो कलर से भरें और हमारा आसमान जो कि है नीला यानी ब्लू। वूहू! अब हमारे फेवरेट रेनबो को कलर करते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये रंग भरेंगे माउंटेन्स में जो है ब्राउन। वाओ, हमारी सीनरी ऑलमोस्ट तैयार है। अब भरेंगे पेड़ में रंग हरा जो कि है ढेर सारे फलों से भरा। बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। इन फलों में भरो रेड कलर, पेड़ के ट्रंक में भरेंगे ब्राउन और घास में भरेंगे हरा जो कि है ऑन द ग्राउंड। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रास में कलर भर दो ग्रीन। कितना आसान है ना रंग भरना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बारी है हमारे घर की। शुरुआत करेंगे येलो कलर से जो जाएगा दीवारों पर, और छत में भरेंगे रेड। Aren't these blue windows a perfect match? दरवाजा होगा पिंक कलर का। बोर्ड में भरो येलो, पीच और पिंक कलर। नीला आसमान और नीली नदी। पार नदियों के जहाँ घर है बने, इस प्यारे से घर में रहना है मुझे। क्या बात है दोस्तों। अब आखिर में डार्क ग्रीन छोटी छोटी घास के लिए। लो बन गई हमारी सीनरी। फिर मिलेंगे, बाय। हाय दोस्तों, पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स और उन्हें करेंगे पेंट। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले लेटर ए, फिर बी, सी, डी, उसके बाद ई, फिर एफ, जी, जी के बाद एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। सीख ली हमने ABC। अब बारी है पेंटिंग की। ए होगा रेड क्योंकि ए से आता है लाल लाल एप्पल। B
बी होगा येलो, जैसे बी फॉर बनाना। सी रहेगा पर्पल, सी फॉर कैट। ग्रीन जाएगा डी में, क्योंकि डी से आता है डायनासोर। ई में भरो पिंक, बताओ इसे क्या आता है? हाँ, एलिफेंट। ब्लू जाएगा एफ में, एफ फॉर फिश। आगे बढ़ो और जी में येलो कलर भरो, जी से येलो जिराफ। अब बारी है एच की, एच में भरो हरा भरा ग्रीन। आई सी ब्लू होगा आई के लिए। अब जे में भरो जेली वाला पिंक कलर। चमकीला गोल्डन जाएगा के में। एल होगा लाइट ब्लू, बुहू। एम को कर दो रेड। एन में भरो पर्पल, एन फॉर नर्स। ओ पर भी चमकीला गोल्डन कलर, ओ फॉर ऑरेंज। रेड जाएगा पी में, पी से पैरेट। क्यू फॉर क्वीन, इसलिए लिया हमने ग्रीन। आर में भरो ब्लू, आर से होता है रेनबो। येलो रहेगा एस के लिए, एस फॉर येलो सन। बिल्कुल सही। पिंक है टी के लिए, टी फॉर टी शर्ट। बारी है यू की, इसके लिए पर्पल कलर कैसा रहेगा? येलो भरेंगे वी में, वी से विक्ट्री। डब्ल्यू से आता है विंडो और वो होगा पिंक, लवली। गोल्डन लेंगे फिर से एक्स के लिए। ग्रीन जाएगा वाई पर, यो यो। आखिर में जेड, जो होगा रेड। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो आज हमने ढेर सारे कलर्स के साथ साथ क्या सीखा? अल्फाबेट्स। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल जाने का समय आ गया है, तो चलो आज हम ड्रॉ करेंगे हमारा स्कूल। घड़ी के लिए ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करो, ट्राइंगल रूफ के लिए और साइड में दो लाइंस, दो रेक्टेंगल फ्रंट डोर के लिए, फिर कुछ स्टेप्स, अब साइड के रूफ्स और वॉल्स। अब ड्रॉ करेंगे कुछ खिड़कियां यानी विंडोज, हर एक क्लास के लिए एक एक विंडो। रूफ पर कुछ डिटेल्स, आखिर में डायगनल और स्क्विगली लाइंस, इससे हमारे रूफ की टाइल्स बनेगी। बस बॉर्डर को थोड़ा थिक करो और पेंटिंग के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले चमकीला रेड रूफ के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। दोस्तों, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे तो साइंस बहुत पसंद है। और आपके हॉबीज क्या हैं? मुझे तो ड्राइंग और स्विमिंग बहुत पसंद है। वाह, बहुत खूब। तो चलो अगला कलर लेंगे, ग्लिटरी येलो, जो जाएगा हमारे स्कूल बिल्डिंग में। अरे दोस्तों संभाल कर, येलो कलर विंडोज में मिक्स मत करना। दूसरे साइड पर भी येलो। मैं तो स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप भी हो? अब विंडोज के लिए शाइनी स्काई ब्लू, वुहू। देखो हमारे विंडोज कैसे चमक रहे हैं। ब्लू, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा दिख रहा है। शाइनी ऑरेंज बीच में। दोस्तों क्या आपको स्कूल की स्पेलिंग पता है? स्कूल की स्पेलिंग है S-C-H-O-O-L,
स्कूल। अब चमकीला ब्राउन हमारे वुडन डोर्स के लिए। बहुत बढ़िया। फिर कुछ शाइनी ग्रीन स्टेप्स के लिए। अरे देखो, घर जाने का समय हो गया है, तो चलो चलें। बाय बाय।